ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तले मंगोड़े, सब्जी मंडी के दुकानदारों को अपने हाथों से खिलाए। मंत्री के इस अंदाज से सभी रह गए हैरान। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार को इंटक मैदान में बनाई गई सब्जी मंडी में पहुंचे। यहां ऊर्जा मंत्री ने सबसे पहले इंटक मैदान में कारोबार कर रहे सब्जी मंडी व्यापारियों से बातचीत की। सब्जी मंडी व्यापारियों ने हजीरा से शिफ्ट करके इंटक मैदान में मंडी चालू कराए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दुकानदारों की नाराजगी दूर करने के लिए उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश भी की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सभी दुकानदारों से बातचीत करके उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद ऊर्जा मंत्री एक मंगोड़ी की दुकान को देखकर वहां पहुंच गए और अपने हाथों से घोल में हाथ डालकर तेल की कढ़ाई में मंगोड़े बनाने के लिए डाल दिए। ऊर्जा मंत्री ने इसके बाद अपने हाथों से वहां मौजूद दुकानदारों को मंगोड़े बांट कर खिलाए। मैं अपने लोगों के बीच आया हूँ, ये मेरा परिवार है। इन लोगों ने मुझे एक एक रुपए दे के चुना। इन लोगों का रोजगार के अवसर बढ़े, सम्मान के साथ ठेला लगा सकें और लोग सम्मान के साथ यहाँ आ सकें। आज सब लोग यहाँ पे, आप लोग साक्षी हो, कैसे मंगोड़े की दुकान पे इन लोगों ने एक साथ खड़े होकर मंगोड़े खा सके। अगर ये हजीरा मंडी होती तो वहाँ पे ऐसे लोग खड़े हो सकते थे क्या? तो ये इस बात की धोतक है कि ग्वालियर की सब्जी मंडी बहुत अच्छी है। मंगोड़े तले ना, उस अम्मा के साथ थोड़ा सहयोग भी किया। आप लोगों को अपन को मंगोड़े खाने देना, तो अपना काम खुद करो ना। ऊर्जा मंत्री ने दुकानदारों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइमेट मध्य प्रदेश से। टाइमेट मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार को इंटक मैदान में बनाई गई सब्जी मंडी में पहुंचे। यहां ऊर्जा मंत्री ने सबसे पहले इंटक मैदान में कारोबार कर रहे सब्जी मंडी व्यापारियों से बातचीत की। सब्जी मंडी व्यापारियों ने हजीरा से शिफ्ट करके इंटक मैदान में मंडी चालू कराए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दुकानदारों की नाराजगी दूर करने के लिए उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश भी की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सभी दुकानदारों से बातचीत करके उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद ऊर्जा मंत्री एक मंगोड़ी की दुकान को देखकर वहां पहुंच गए और अपने हाथों से घोल में हाथ डालकर तेल की कढ़ाई में मंगोड़े बनाने के लिए डाल दिए। ऊर्जा मंत्री ने इसके बाद अपने हाथों से वहां मौजूद दुकानदारों को मंगोड़े बांट कर खिलाए। इधर ले आना, मसाला डाल के बढ़िया। मैं अपने लोगों के बीच आया हूँ, ये मेरा परिवार है। इन लोगों ने मुझे एक एक रुपए दे के चुना। इन लोगों का रोजगार के अवसर बढ़े, सम्मान के साथ ठेला लगा सकें और लोग सम्मान के साथ यहाँ आ सकें। आज सब लोग यहाँ पे, आप लोग साक्षी हो, कैसे मंगोड़े की दुकान पे इन लोगों ने एक साथ खड़े होकर मंगोड़े खा सके। अगर ये हजीरा मंडी होती तो वहाँ पे ऐसे लोग खड़े हो सकते थे क्या? तो ये इस बात की धोतक है कि ग्वालियर की सब्जी मंडी बहुत अच्छी है। मंगोड़े तले ना, उस अम्मा के साथ थोड़ा सहयोग भी किया। आप लोगों को अपन को मंगोड़े खाने देना, तो अपना काम खुद करो ना। ऊर्जा मंत्री ने दुकानदारों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइमेट मध्य प्रदेश से।
टाइम एट मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।